हाँ असें सतें क्लास जो भाग पैरों शुरू करूँ था। इतने भाग पैरों जो सिलेबस लिखो वो यहाँ पे पहले हिस्से का सिलेबस लिखा जाएगा। हमद इतने हमद जो टाइटल पेज आए यहाँ पर हमद का ये टाइटल पेज बनेगा। हमद खुशखती यहाँ पर हमद की खुशखती लिखी जाएगी। इतने हमद नज़्म पूरा खुशखत लिखो वो। हाँ सबक सतें जी अल्फाज माना ऐसी मश्क शुरू करूँ था। हमद हेठन लफ्ज़न जी माना लिखो नीचे दिए हुए अल्फाज के माने लिखिए। लफ्ज़ माना तू मने तुम या तू सिंधी सिद्धी वाट सीधा रास्ता सीधे रास्ते हलन चलना डाहां तरफ वधंदा बढ़ना वडन बड़ों नंढन छोटों वडो बड़ा या बड़े करियां करूं। हमद मश्क हेठन सवालन जा जवाब दो नीचे दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक इन नज़म में अल्लाह ताला जूं केजों सिफतों बयान थियल आहन। इस नज़म में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की गई हैं। इन नज़म में अल्लाह ताला जूं खालिक मालिक कादिर ऐं करीम सिफतों बयान थियल आहन। इस नज़म में अल्लाह ताला की सिफात खालिक मालिक कादिर और करीम सिफात बयान की गई हैं। सवाल नंबर ब सवाल नंबर दो शायर गरीबन यतीमन सा केड़ो सुलूक करण जी सलाह थो दिए। शायर गरीबों और यतीमों के साथ कौन सा सुलूक करने का मशवरा देता है। जवाब शायर गरीबन यतीमन सा मोहब्बत करण जी सलाह थो दिए। शायर गरीबों और यतीमों के साथ मोहब्बत करने का मशवरा देता है। सवाल नंबर टे सवाल नंबर तीन असीं पंहिंजे वतन जी कीअं ख़िदमत करे सघूं था। हम अपने वतन की किस तरह ख़िदमत कर सकते हैं। जवाब असीं पंहिंजे वतन जे लाइ पढ़ी लिखी वतन जे लाइ कमु करण ऐं माण्हुनि सां प्यार करण सां वतन जी ख़िदमत करे सघूं था। हम अपने वतन के लिए पढ़ कर लिख कर वतन के लिए काम करके और लोगों के साथ प्यार करके वतन के साथ खिदमत कर सकते हैं। हाँ ये मश्क सवालात जवाबात पूरा थिया।